नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। तो बीसीजी के ऊपर बहुत सारे कमेंट क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि सर बीसीजी की वीडियो आप क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। बीसीजी ब्राइट कॉम गुरु भैया क्या करूं, ये स्टॉक दोस्तों फंस चुका है किसके बीच में, साहब कोर्ट सेबी और ईडी, इन तीनों भाइयों के बीच में ये बीसीजी जो है वो फंस चुका है। और इसमें फंस चुका है एक रिटेल निवेशक, बीसीजी में एक रिटेल निवेशक फंसा हुआ है और बीसीजी फंसा हुआ है सब कोर्ट में, सेबी में और ईडी में। रोज अपडेट लगा रहा हूं मैं, डेली जो भी अपडेट आ रहा है कोर्ट में, जो 15 तारीख को क्या डिस्कशन हुआ है, क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, डेली मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे लग रहे हैं। आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़े ही नहीं हो, अगर आप जुड़े होते हैं तो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं ना कि सर बीसीजी की वीडियो कहाँ है, आपने बीसीजी को छोड़ ही दिया। नहीं भाई, छोड़ा नहीं है, रोज अपडेट लगा रहा हूं तो समय नहीं मिलता मेरे पे बीसीजी की वीडियो बनाने का, क्योंकि अपडेट ही नहीं आते। वीडियो बनानी तो क्या बनानी बताओ, वही अपडेट है रोज। कोर्ट कह रहा है डेली इसको, ईडी को, भैया कुछ है तो प्रूफ करो दिखाओ। सेबी अभी तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ है साहब, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, कितने साल हो गए हैं साहब बताइए। बीसीजी इसको डेट मिली हुई है, एक्सटेंशन लिया हुआ है इसने, 25 दिसंबर को अपने रिजल्ट पेश करेगा और 31 तारीख तक साहब एजीएम करेगा, जिसकी साहब डेट भी खत्म होने वाली है। बताइए ना, इसकी तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन आया है? मैं डेली वेबसाइट चेक कर रहा हूं, इसकी कोई क्लेरिफिकेशन आए, कुछ तो बोले नहीं साहब, कोई किसी से मतलब नहीं। एक रिटेल इन्वेस्टर बेचारा परेशान है बीसीजी के शेयर को लेके, ऊपर के रेट पे फंसा हुआ है वो, 50 से ऊपर है साहब हर किसी के पास, हमारे पास तो नीचे है। हमारे पास तो आपको पता ही है, मैं रोज अपने जो पोर्टफोलियो के शेयर है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, 26 और 27 के आसपास मेरे पास ये शेयर है, ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने इसका एवरेज करा करा के 19 भी लेके आया हूं, और बहुत से लोगों को एवरेज करा करा के मैं 15 भी लेके आया हूं, हालांकि वो अभी प्रॉफिट में है, लेकिन मैं तो अभी भी साहब लॉस में हूं, मैं भी तो फंसा हूं रिटेल निवेश को, मैं भी एक रिटेल निवेशक हूं और इसमें मैं फंसा हुआ हूं। हमने इसको खरीदना शुरू कहां से करा था, 50 रुपए से खरीदना शुरू करा था, छोटी छोटी क्वांटिटी में हम शेयर्स खरीदते हैं, एक्युमुलेशन के द्वारा हम शेयर खरीदते हैं, जब तक गिरता रहता है, 50 पे खरीदा, 25 पे खरीदा, 12 पे खरीदा, हर जगह खरीदते खरीदते एक अच्छा एवरेज बनाया जो निकल के आया 26 और 27 का, अभी तक वो रेट नहीं आया। हालांकि एक दो बार रेट आया था, जो निचले शेयर थे हमारे पास, निचले स्तरों पर शेयर थे वो हमने बेच के निकल गए थे, प्रॉफिट भी कमाया था, ऐसी बात नहीं है। दोबारा से एंट्री हुए तो उसका जो एवरेज बना वो 26 और 27 के बीच में बना हुआ है, फंसे तो अब भी है, अभी तो फंसे हुए हैं साहब, और यही आशा कर रहे हैं कि कुछ अच्छा निकल के आ जाए। अच्छा कहां से निकलेगा, यहां से बीसीजी कुछ क्लेरिफिकेशन दे दे कि भैया रिजल्ट मैं पेश कर रहा हूं, ऑडिटर है मेरे पास, कम से कम कुछ तो कहे, कुछ तो नोटिफिकेशन क्लेरिफिकेशन आए, ठीक है। कोर्ट कह रहा भैया इसको, ईडी को, जो तुम्हारे पास है प्रूफ करो, हर बार एक्सटेंड हो रहा है, हर बार एक्सटेंड, वही साहब बयान कोर्ट का, वही ऑर्डर जो पहले दे रखा था वो अब भी दे रहा है। अब शायद मेरे ख्याल से 1 जनवरी फिर अगली डेट लगी है। बताइए इसमें क्या आपको अपडेट दूं डेली वीडियो बना के। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि रोज बीसीजी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। वीडियो जब बनाओ जब आपके पास चीजों की अवेलेबिलिटी हो, तथ्य हो। अब ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी, बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे साहब मेरे पास, आज सैटरडे था, फुर्सत थी, मैंने सोचा क्लास के दौरान बीसीजी के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ कहना चाहिए। कुछ मैंने बोला भी नहीं था अब तक कि कोर्ट से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपके लिए सार्वजनिक नहीं करा था, हालांकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैं लगा रहा हूं डेली, लेकिन मैंने सार्वजनिक नहीं करा था। मसला सिर्फ यही अटका हुआ है साहब, कोर्ट से भी ईडी, ईडी कोर्ट ईडी से कह रहा है कुछ है तो पेश करो, से भी फॉरेंसिक ऑडिट का इंतजार है, बीसीजी रिजल्ट का इंतजार है। अरे भैया ये सब चलता रहेगा कितने करके, अपने रिजल्ट तो डिक्लेयर करो, एजीएम तो करो, डिविडेंड तो दो। अब ये कह रहा है साहब एजीएम हम कर नहीं सकते, हमारे पास सीएफओ नहीं है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं है, एमडी नहीं है,
सीएमडी है ही नहीं, इसको भी बेचारे को मजबूरी है। अच्छा है ही नहीं सीएमडी सीएफओ, ये कैसे साफ निकलेगा? लेकिन रियल तो बेस कर सकता है भाई। एक तरफ रिवेन्यू, ईटी में रिवेन्यू देखिए साहब आप, इकोनॉमिक टाइम में रिवेन्यू देखिए जो मैंने आज अपडेट लगाया है, 3000 करोड़ से ऊपर की रिवेन्यू, 500 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट, टॉप 500 कंपनियों में शामिल है बीसीजी, ईटी की रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स। पता नहीं, समझ में नहीं आ रही बात, इसको कम से कम रिजल्ट पेश कर दे तो निवेशकों का भरोसा, जो ये जो बेचारे रिटेल निवेशक है ना जिन्होंने पैसा लगा रखा है, इनको कुछ सांत्वना तो मिले, कुछ पता तो चले। चलिए साहब, शायद अगला हफ्ता इस बीसीजी के लिए कुछ उम्मीद लेके आए, बीसीजी कुछ क्लियर करे रिजल्ट को लेकर, एजीएम को लेकर साहब, और जो कोर्ट ने ईडी को ऑर्डर दिए हुए हैं उसको लेकर भी कोई क्लेरिफिकेशन आए, कुछ अच्छा हो। इसी आशा के साथ हम भी बीसीजी के स्टॉक को होल्ड किए बैठे हैं और आपसे कह रहे हैं कि भैया जहाँ इतने दिन हो गए और भी होल्ड कर लो, क्या पता अपने दिन बदल जाएं। नमस्कार।